अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। गर्मी में लू के मौसम में हम सभी को बचाता है आम का पन्ना। तो चलिए इसकी आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक बड़े साइज़ का कच्चा आम है। आप इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हम पील कर लेंगे। पीलर की हेल्प से आप इसको पील कर लीजिए। पील करने के बाद हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर लेंगे। तो देखिए, आम हमारा पील हो चुका है। अब हम इसको कट कर लेंगे। आपके पास छोटे आम हो तो आप छोटे भी ले सकते हैं और क्वांटिटी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से कच्चे आम से बहुत ही बढ़िया हमारा आम का पना बनकर तैयार होगा, जो कि गर्मी में आपको ठंडक देगा, लू से बचाएगा। तो आम का पना आप ज़रूर बना के पीजिए। इसको बनाना बहुत आसान है, जैसे कि आप देख रहे हो, कुछ ही समय में ये बनकर तैयार हो जाता है और घर में सभी को बहुत पसंद भी आता है। तो गर्मी में ठंडे ठंडे पने को आप ज़रूर बना के पीजिएगा। इस तरह से गुठली को भी हम सारा पल्प निकाल लेंगे और यहाँ पर प्रेशर कुकर में हमने आम को डाल दिया है और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो हमने 1 कप पानी डालकर इसको उबाल लेना है जब तक कि आम गल जाए। और अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इस आम को उबाल लिया है, तो ये गला हुआ होना चाहिए, इतना हमने इसको उबाल लेना है। अब हमने इसको मिक्सर के जार में डाल देना है और ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। देखिए, सौंफ 1 चम्मच है, ये हमने सोख करके रख दी थी, और ये है ज़ीरा 1 चम्मच, इसको भी हमने सोख करके रख दिया था, तो फूलने के बाद अच्छे से पिस जाएगा। और आधी कटोरी हमने शक्कर ली है। शक्कर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और बस इसको आप ग्राइंड कर लीजिए। और यहाँ पे कुछ मसाले हैं हमारे पास, जिसमें कि हमारे पास है, देखिए, पुदीना, नमक, हरधनिया सूखा वाला, काला नमक, पुदीना है। ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं जिससे हम आम का पन्ना तैयार करेंगे। तो देखिए, ये अभी हमारे पास गाढ़ा गाढ़ा का सा पल्प आ चुका है। अब इसको हम सीधे जार में डाल लेंगे। तो देखिए कितने बढ़िया तरीके से हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। और अब इसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। तो करीबन 2 गिलास करीब पानी आप इसमें डाल दें, या फिर जितना आपको रिक्वायर्ड हो उतना पानी आप डाल सकते हैं। जितना इसकी एकदम परफेक्ट इस तरह से ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तब तक आप इसमें पानी ऐड ऑन कर दीजिए, क्योंकि हम इसमें बर्फ भी डालेंगे। अब 1/2 चम्मच काला नमक हमने इसमें डाल दिया है, 1/2 चम्मच सफ़ेद नमक इसमें ऐड ऑन करेंगे। और अब यहाँ पर हमने डाल दिया है भुना पिसा हुआ ज़ीरा 1/2 चम्मच, और 1/2 चम्मच के करीब हमने काली मिर्ची डाल दी पिसी हुई, और पुदीना भी, और यहाँ पे धनिया सूखा भी हमने इसमें ऐड ऑन कर दिया है। बस अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, इतना बढ़िया सा आम पना हमारा तैयार हो गया है और बिल्कुल बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसका। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब यहाँ पर हम ग्लास में आइस डाल देंगे, आइस क्यूब्स भी आप डाल सकते हैं, और इसको आम पन्ने को हम सर्व कर लेंगे। तो है ना मज़ेदार फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी उम्मीद है पसंद ज़रूर आई होगी। तो गर्मियों में इस आम पन्ने को ज़रूर ट्राई करके देखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। थैंक यू।